हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें और कम से कम 40 लोगों के मोबाइल में ये ऐप आप इंस्टॉल करवाए ही और उसके अंदर उनकी जो जानकारी है वो डाल दी जाए। पीएम मोदी जिस ऐप की बात कर रहे हैं वो है आरोग्य सेतु ऐप, वो ऐप जो आपको कोरोना से बचाएगा, जो आपको कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से पहले ही आगाह कर देगा। ऐसा ऐप जिसमें पूछे गए सवालों का अगर आपने ईमानदारी से जवाब दिया तो आप कोरोना से बच सकते हैं। कई सारी आधुनिक तकनीकों से लैस ये ऐप कोरोना से आपकी रक्षा कैसे करेगा समझिए। कोरोना वायरस को हराने के लिए जरूरी है कि हमें उससे एक कदम आगे रहना होगा और ये तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएंगे और टेस्ट तभी होंगे जब लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी, यानी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का पता लगाया जाएगा। इसी के लिए केंद्र सरकार ने 2 अप्रैल को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था। इस ऐप को अभी तक 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें, घर में बने फेस कवर या मास्क का और वो भी घर में बने हुए उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। इस ऐप को आप मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड, गूगल प्ले स्टोर या फिर iOS पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है जिससे आप अपनी पसंदीदा भाषा आप चुन सकते हैं। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर से खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। ऐप में खुद को रजिस्टर करने के बाद एक वैकल्पिक फॉर्म आता है जिसमें आपको नाम, उम्र और पेशे से जुड़ी सामान्य जानकारियों के अलावा ये भी बताना होता है कि पिछले 30 दिनों में आपने कोई विदेश यात्रा की है या नहीं। इसके अलावा ऐप में आपको अपने स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ साधारण जानकारियां भी डालनी होती हैं, जैसे कि क्या आपको खांसी या बुखार है, क्या आपको सांस लेने में तकलीफ है। आपको आपके जवाबों के आधार पर ऐप 2 रंगों के कोड्स में कोरोना संक्रमण के जोखिम के स्तर को दिखाता है, यानी आप किस रिस्क जोन में है ये बताता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप हरे रंग के कोड में आपको दिखाया जाता है तो आप सुरक्षित हैं और कोरोना संक्रमण का कोई खतरा आप पर नहीं है। लेकिन अगर आपको पीले रंग के जोन में दिखाया जाता है पीले कोड से तो आप कोरोना संक्रमण के जोखिम में हैं, इसलिए आपको हेल्पलाइन पर से संपर्क करना चाहिए। इसके लिए आपको ऐप के COVID-19 हेल्थ सेंटर्स बटन पर क्लिक करना होगा जहां से आप सीधे हेल्पलाइन नंबर्स पर डायल कर सकते हैं। आप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट नामक फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपकी सेहत और बीमारी के लक्षणों से जुड़े कुछ सवाल आपसे किए जाएंगे जिनके आधार पर जरूरी सलाह आपको दी जाएगी। लेकिन इस ऐप का काम यहीं पर समाप्त नहीं होता। ये ऐप आपके मोबाइल नंबर, ब्लूटूथ और लोकेशन डेटा का इस्तेमाल करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी करता है और बताता है कि आप कोरोना के जोखिम के दायरे में हैं या नहीं, उस खतरे के जोन में हैं या नहीं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने मोबाइल फोन की लोकेशन और ब्लूटूथ शेयरिंग को हमेशा ऑन रखें। ऐसा करने से जब आप किसी भी जगह जाएंगे तब ऐप आपकी लोकेशन को ट्रेस करता रहेगा। ब्लूटूथ के जरिए आसपास के मोबाइल फोन से संदेश लेकर आपके संपर्क में आने वाले लोगों की जानकारी को स्टोर करके रखेगा। लेकिन ये भी तभी होगा जब आपके संपर्क में आने वाले लोगों के मोबाइल फोन में भी ये ऐप डाउनलोड होगा और उन्होंने भी ब्लूटूथ ऑन किया होगा।
आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप आज बाजार में कोई सामान खरीदने गए और वहां किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसे 6-7 दिन बाद कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गई, तो ये ऐप आपको अलर्ट कर देगा और आपको कोरोना संक्रमण से जुड़े खतरों के स्तर को पीले रंग के कोड में आपको दिखाने लगेगा। इस ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में दावा किया गया है कि इसमें भरा गया डेटा सिर्फ भारत सरकार के साथ ही साझा होगा। यूजर से जुड़ी कोई भी उनकी निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी, किसी से शेयर नहीं की जाएगी। निजी जानकारी को अलर्ट करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। यानी आरोग्य सेतु ऐप कोरोना वायरस से बचाने में मददगार होने के साथ साथ सुरक्षित भी है। अगर आपने अभी तक इसे डाउनलोड नहीं किया है तो सोचिए मत, तुरंत इसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों के मोबाइल फोन पर यह ऐप डाउनलोड होगा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश उतनी ही ज्यादा बढ़त हासिल करेगा और आप भी उतने ही ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते ही ये ऐप आपको अलर्ट भेजेगी, जिससे आप उस व्यक्ति से दूरी बना सकते हैं। अगर आप किसी हॉटस्पॉट वाले इलाके से गुजर रहे हैं तो ये ऐप आपको नोटिफिकेशन के जरिए रास्ता बदलने को भी कहेगा। आरोग्य सेतु एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म निकला है, जिससे आप अपने को सुरक्षित रखने की हर तकनीकी व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं। देश के सभी लोगों से अपील करेंगे कि आरोग्य सेतु को अधिक से अधिक डाउनलोड करें। ये ऐप आपको बताएगा कि आप कोरोना का टेस्ट कहां करा सकते हैं। ऐप में सभी राज्यों और केंद्र की हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं। ऐप कोरोना से जुड़ी जानकारियां भी आपको देता रहेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें और कम से कम 40 लोगों के मोबाइल में ये ऐप आप इंस्टॉल करवाए ही, और उसके अंदर उनकी जो जानकारी है वो डाल दी जाए। आरोग्य सेतु ऐप की तर्ज पर अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल और गूगल भी इसी तकनीक के आधार पर ऐप बना रही हैं।